पर बात करते हैं गोरखपुर की। गोरखपुर से बड़ी खबर आ रही है, हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष की दबंग गई। जिलाध्यक्ष ने टोल प्लाजा पर की मारपीट, फास्टैग ना होने पर दुगना पैसा मांगने पर हुए नाराज। पूर्वांचल विकास बोर्ड का सदस्य भी है विजय यादव। बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं गोरखपुर से, जहां पर हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष की दबंगई देखने को मिली है। जिलाध्यक्ष ने टोल प्लाजा पर मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि गाड़ी में फास्टैग ना होने पर जब दुगना पैसे की मांग की गई टोल कर्मी के द्वारा, तो पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य विजय यादव नाराज हो गए और ऐसे में मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। जिलाध्यक्ष ने टोल प्लाजा पर टोल कर्मी के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। फास्टैग ना होने पर ये घटना टोल प्लाजा पर हुई। पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य भी हैं विजय यादव। गोरखपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष विजय यादव की दबंगई की खबर सामने आ रही है। नियमों को ताक पर रखते हुए यहां पर विजय यादव ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। बताया ये जा रहा है कि टोल प्लाजा से गुजरते हुए जब टोल कर्मी ने फास्टैग को लेकर बातचीत करनी चाहिए, फास्टैग ना होने पर दुगना पैसा वसूला जाएगा नियम के अनुसार, अब ऐसा जरूरी है, ऐसे में जब टोल कर्मी ने उनसे बातचीत करनी चाहिए तो वो मारपीट पर उतर आए। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टोल प्लाजा की। और साथ ही साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं गोरखपुर से, उनसे बातचीत करेंगे। जी अनुराग, ये जो घटना सामने आ रही है, तस्वीरें हम साफ देख पा रहे हैं, किस तरह हिंदू वाहिनी के जिलाध्यक्ष की दबंगई यहाँ पर देखने को मिली है, और बताया जा रहा है कि टोल कर्मी के साथ हाथापाई और मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है, क्या है पूरा मामला? दरअसल बात यह है कि हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष विजय शंकर यादव अपनी बोलेरो गाड़ी लेकर गोरखपुर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में नैनसर टोल प्लाजा पड़ता है, नैनसर टोल प्लाजा पर उनकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं था। फास्टैग नहीं था तो उन्होंने जो टोल कर्मी थे, उन्होंने जो कीमत है टोल की उसकी दुगनी कीमत मांगी, क्योंकि ऐसा एनएचआई का नियम है कि जिनकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं है वह दुगनी कीमत देकर टोल क्रॉस करेंगे। जब दुगनी कीमत जिलाध्यक्ष से मांगी गई तो वह नाराज हो गए, पर्ची तो कटवाई, गाड़ी आगे खड़ी कर और कार्यालय पर गए, वहां पर टोल कर्मियों के साथ झड़प की, बाद बाद गाली गलौज हुआ, मारपीट हुआ। और पूरा जो ये मामला था सीसीटीवी में कैद हो चुका है, तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह एक जिलाध्यक्ष, गोरखपुर के हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष अपने समर्थकों के साथ टोल कर्मियों के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, इसके अलावा क्या इन पर इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है अब प्रशासन के द्वारा? जैसा कि आपको बता दें कि नैनसर टोल प्लाजा के जो मैनेजर हैं शारदा कुमार, उन्होंने पुलिस को तहरीर दी हुई है और पुलिस ने कहा कि जल्द ही तहरीर तो मिली है लेकिन जल्द ही मुकदमा इसको दर्ज कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। और लगातार गोरखपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जिला अध्यक्ष हिंदू वाहिनी के जिलाध्यक्ष की दबंगई देखने को मिली। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरह अपने समर्थकों के साथ यहां पर टोल कर्मी के साथ हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं विजय शंकर यादव। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की, खबर प्रयागराज की।